फैक्ट नंबर वन, गाइस बॉलीवुड की एक्ट्रेस आलिया भट्ट सिर्फ फिल्मों से ही नहीं बल्कि शेयर मार्केट से भी करोड़ों छापती हैं। जी हाँ गाइस, साल 2017 में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने वाली आलिया भट्ट एक एंजल इन्वेस्टर भी हैं, जिसमें उन्होंने फूल से तेल बनाने वाली कंपनी से लेकर बच्चों के कपड़े बनाने वाली कंपनियों तक में इन्वेस्ट कर रखा है, जिसके जरिए उन्होंने 5 सालों में इन सारी कंपनियों से करोड़ों रुपए कमाए हैं। यहां तक कि उन्होंने इसी कमाई से हाल ही में मुंबई के जुहू में 32 करोड़ का घर खरीदा है। गाइस, अब तो बॉलीवुड के एक्टर्स भी ये समझ गए हैं कि शेयर मार्केट में अथाह पैसा है, बस कमी है तो कमाने वाले। फैक्ट नंबर टू, पाकिस्तान आज के समय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF से लोन लेने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही उतावला हो रहा है, और हो भी क्यों ना, एक IMF ही है जो पाकिस्तान को भुखमरी से बचा सकता है, लेकिन IMF से पैसे लेने के चक्कर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर गए। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जब IMF वालों ने $7 बिलियन का लोन देने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से कुछ पेपर में साइन करने को कहा, तो उन्होंने बिना पढ़े ही उन पेपर्स में अपना अंगूठा लगा दिया, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि उन पेपर्स में लिखा था कि हम आपको पैसे शर्त पर दे रहे हैं कि आप अपने देश के लोगों से दुगना टैक्स वसूलेंगे। यानी कि पाकिस्तान के वो लोग जो पहले 160 रुपए किलो का आटा खरीद कर खा रहे हैं, उन्हें इस हालात में अब दुगना टैक्स भी देना पड़ेगा। वैसे गाइज, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने देश के लोगों को मुसीबतों से निकालने की बजाय उनकी मुसीबतें और बढ़ा दी?